मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। 15 सालों में पहली बार बीजेपी सदन में विपक्ष की भूमिका में नजर आई। वहीं कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। प्रजापति के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। भाजपा की ओर से विजय शाह ने नामांकन भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सत्र के दूसरे दिन 8 जनवरी को होगा और फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। इसके बाद कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। शीतकाल का ये सत्र 11 जनवरी तक चलेगा। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। आज तो शपथ है सारे नए विधायकों की और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरीके से सजग है। अगर विपक्ष अपना प्रत्याशी स्पीकर के लिए खड़ा करता है तो हम सारे लोग तैयार हैं सामना करने के लिए, नहीं करता है तो उनका स्वागत है। अगर वो अध्यक्ष के लिए खड़ा करते हैं तो फिर हमारी पार्टी का सोचना है कि उपाध्यक्ष पद पर उनके लिए नहीं देंगे। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डेनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।